अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे कभी बड़ी बड़ी जहाजें चला करती थी पटना के लिए। जी हाँ, हम पलेजा घाट में हैं और पलेजा घाट के बारे में आपको बताने के लिए आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर कभी काफ़ी रश हुआ करता था 82 के पहले, और मतलब महात्मा गांधी सेतु बनने के पहले। और आज क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अपडेट आपको समय पर मिलता रहे, बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए बेल आइकन को दबाइए। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार, जय भारत। आज आपको देखकर आश्चर्य होगा, विकास की तस्वीर दिखाने वाला इंद्रसेन कीचड़ से सने हुए इस रास्ते को क्यों दिखा रहा है। ये पहलेजा घाट जाने का रास्ता है, मुख्य रास्ता है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये कीचड़ से सना हुआ है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि इस जगह का विकास हो, क्योंकि इसका अतीत भी समृद्ध रहा है और वर्तमान भी समृद्ध है। ये है उत्तर वाहिनी गंगा। सुल्तानगंज के बाद यहीं पे गंगा उत्तर वाहिनी बहती है, और ये पीपा पुल है, पहलेजा घाट में बना पीपा पुल है। और जल स्तर की बात करें तो जल स्तर काफ़ी कम है, लोग स्नान कर रहे हैं, उसे समझ में आ जाएगा। ये गंगा का पाठ है, कभी बड़ी बड़ी जहाज़ें यहाँ से पटना के लिए खुला करती थी, और यही एक रास्ता था पटना जाने का, जहाज़ के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से यही एक रास्ता था पटना जाने का। लेकिन अब महात्मा गांधी सेतु के बन जाने के बाद वो सुविधा ख़त्म हो गई, और अब तो नहीं लगता है कि जहाज़ जा पाएगा अगर कोशिश भी किया जाए तो, क्योंकि पानी काफ़ी कम गया है। नावें लगी हुई हैं और जून का महीना है तो पानी बढ़ेगा ही। ये देख सकते हैं, इस पे बना हुआ पीपा पुल है लोगों के आने जाने के लिए। सनराइजिंग है, पूरब है, इधर देख सकते हैं। यहाँ का गंगा जल काफ़ी महत्वपूर्ण है शिव भक्तों के लिए और कई महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ का जल ले जाने के लिए आते हैं और अपने घर ले जाते हैं। इस जल का अपना महत्व है। नदी के किनारे नावें लगी हुई है, पीपा पुल बना हुआ है, वहाँ का जल काफ़ी महत्वपूर्ण है। गरीबनाथ यहीं से जाकर शिव भक्त चढ़ाते हैं। जल स्तर इतना कम हो गया है कि अब नावों को खींचने के लिए भी क्रेन की मदद से मिट्टी पर लाने के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्रेन की मदद ली जा रही है। आपको दिखेगी तस्वीर उसकी, एक लाइन से कतार में नावें खड़ी है। दूर दूर से लोग इस जल को ले जाने के लिए आते हैं। योजनाओं में यहाँ लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ के जल का बहुत ही महत्व है, यहाँ जाने का और यहाँ स्नान करने का। यहाँ पे लोग दूर दूर से जल ले जाने के लिए आते हैं और इस गंगा जल को ले जाते हैं अपने घर। सावन के महीने में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, और जैसा मैंने रास्ता देखा है उस रास्ते को बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी तटों का सौंदर्यीकरण करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है कि पहलेजा घाट का सौंदर्यीकरण हो, ताकि जो लोग आते हैं यहाँ पर उन्हें सुविधा मिले, आसानी हो। अब इस वीडियो का क्या असर होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन इस घाट का सौंदर्यीकरण होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो अतीत ये समेटे हुए है उसे लोगों को जानकारी मिले। मेंटेनेंस के लिए बाहर लाने की कोशिश की जा रही है, और देखिए कितनी परेशानी हो रही है। लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंद्रसेन का प्यार भरा नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।